और अब बात नागौर की, जहां मेड़ता सिटी के बावरी समाज को जागृति महासम्मेलन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस से राजनीति में बावरी समाज के लोगों को जगह देने की मांग रखी। समाज के प्रमुख लोगों ने यह कहा कि वोट बैंक के आधार पर दोनों दल उनके समाज के लोगों को टिकट दें। नागौर के मेड़ता सिटी में बावरी समाज का जागृति महासम्मेलन हुआ। इसमें समाज के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस से राजनीति में बावरी समाज के लोगों को जगह देने की मांग की। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा कि वोट बैंक के आधार पर दोनों दल उनके समाज के लोगों को टिकट दें। सियासत में अपनी भागीदारी को लेकर बावरी समाज ने भी हुंकार भरी है। मेड़ता सिटी में आयोजित बावरी समाज के सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। बावरी समाज की विधायक सोना देवी, शिमला देवी समेत कई नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से टिकट की मांग की। समाज के लोगों का आरोप है कि आजादी के बाद से अभी तक उनका सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब उनका समाज जाग चुका है। 70 साल की आजादी के बाद भी बावरी समाज राजनीति से कोसों दूर है, इसलिए हमने ये जो प्रदेश स्तर का बावरी समाज का महासम्मेलन मेड़ता की पवित्र धरती पर करके हम एकजुटता की शक्ति दिखा करके, हमारा मिशन है बावरी समाज राजनीति में आगे आए, शिक्षा में आगे आए। सम्मेलन में आए समाज के लोगों ने कहा कि जब आरक्षित सीट पर टिकट की बात आती है तो उनकी जगह उनके वर्ग की दूसरी जातियों को प्राथमिकता दे दी जाती है और उन्हें राजनीतिक भागीदारी से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन अब वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। समाज इस बार चुनाव से पहले सभी दलों को अपना मांग पत्र देगा, क्योंकि यदि अनुसूचित जाति वर्ग की बात आती है, राजस्थान में 34 विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है, उसमें राजस्थान में मेघवाल जाति के बाद में दूसरी जाति यदि बाहुल्य के तौर पर आती है तो वो बावरी समाज आती है। इसलिए हमारा दोनों राजनीतिक दलों से और सर्व समाज के सहयोग से हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में बावरी समाज का परचम फहराए और हमारे सबसे ज्यादा MLA MP बने और प्रतिनिधित्व के नाते राजस्थान में हमारे को मौका मिले। चुनावी साल में बावरी समाज ने एकजुटता दिखाकर सभी दलों को सचेत कर दिया है कि जो उन्हें टिकट देगा समाज उसे ही वोट देगा। मनोज सोनी, जी मीडिया, नागौर।